नमस्कार जनपद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश के रतलाम रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस को भारत माता की जय बोलने से दिक्कत। प्रधानमंत्री बोले कांग्रेस को मुझे गाली देने में होती है खुशी, गाली भक्ति से नहीं राष्ट्रभक्ति से चलता है देश। हुआ तो हुआ के जरिए पीएम मोदी ने गिनाए कांग्रेस के घोटाले, बोले अब जनता कह रही है अब बहुत हुआ। बसपा सुप्रीमो मायावती ने पीएम मोदी पर बोला हमला, कहा राजनीतिक फायदे के लिए मोदी ने अपनी पत्नी को छोड़ा। मायावती बोली मोदी से घबराती हैं बीजेपी नेताओं की महिलाएं, कहीं अपनी पत्नी की तरह हमें भी पति से अलग न करवा दें पीएम मोदी। मायावती ने 23 मई को पीएम मोदी की छुट्टी का किया दावा, बोली मोदी के बाद शुरू होगी सीएम योगी की उल्टी गिनती। कभी पिछड़ी जाति का कभी फकीर बनने का नाटक कर रहे हैं मोदी, माया बोली गाली खाने वाला काम करेंगे तो गालियां तो पड़ेंगी ही। गोरखपुर रैली में सीएम योगी ने मायावती पर किया पलटवार, बोले 23 मई के बाद अखिलेश कहेंगे मायावती ने बेच दिया वोट। बंगाल की जादवपुर में रैली से पहले अमित शाह को झटका, हेलीकॉप्टर लैंडिंग के साथ साथ रैली को भी नहीं मिली इजाजत। जादवपुर में रैली की इजाजत नहीं मिलने के बाद बोले अमित शाह, कहा ममता डरती हैं कहीं भतीजे का तख्त ना हो जाए उल्टा। जोयानगर में जनसभा को संबोधित करते हुए शाह ने दी चुनौती, कहा हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार करके दिखाएं दीदी। शाह की जादवपुर में नो एंट्री पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, पश्चिम बंगाल में हो रही है हार से बौखला गई हैं ममता बनर्जी। 13,000 करोड़ के पीएनबी घोटाले में केंद्र सरकार को तगड़ा झटका, मेहुल चौकसी को गिरफ्तार करने से एंटीगुआ सरकार का इनकार। तमिलनाडु में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बोले कमल हासन, कहा नाथूराम गोडसे ने की भारत में आतंक की शुरुआत। कमल हासन के बयान पर भाजपा ने जताई कड़ी आपत्ति, कहा अल्पसंख्यकों के वोट के लिए ये मुद्दा उठाना गलत। कमल हासन के बयान पर अभिनेता विवेक ओबराय ने दी प्रतिक्रिया, बोले कृपया देश को न बांटें, हम सभी एक हैं, जय हिंद। भाजपा के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का बयान, बोले बीजेपी को यूपी में 50 से कम सीटें मिली तो होगा आश्चर्य। उज्जैन के महाकाल मंदिर में प्रियंका गांधी ने की पूजा अर्चना, साथ में मुख्यमंत्री कमलनाथ भी रहे मौजूद। ईडी के दफ्तर पहुंची आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर, 1,875 करोड़ रुपए के लोन मामले में हुई पूछताछ। रमजान में सुबह 5:30 बजे से मतदान कराने से कोर्ट का इनकार, उच्चतम न्यायालय ने याचिका की खारिज। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर कसा तंज, बोले जब जब बिजली जाएगी लोग मामा को करेंगे याद। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज ने कमलनाथ सरकार पर लगाया आरोप, बोले प्रदेश के किसानों से किया छल, नहीं माफ किया उनका कर। शिवराज चौहान बोले भ्रष्टाचार कांग्रेस के डीएनए में, इंदौर के दशहरा मैदान में शंकर लालवानी के समर्थन में मांगा वोट। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लगाया गंभीर आरोप, बोले भाजपा के इशारे पर छठे चरण में भी की गई धांधली। अखिलेश ने सपा मतदाताओं को बूथ से भगाने का लगाया आरोप, बोले बीजेपी के इशारे पर मशीन खराब होने की कही गई बात। बगलकोट लोकसभा सीट पर भाजपा की नजरें लगातार चौथी जीत पर, सिद्धारमैया बन सकते हैं कांग्रेस के तारणहार। 15 जून को खोल दिया जाएगा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, NHAI का दावा, अभी काफी काम होना है बाकी। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्षी एकता पर कसा तंज, बोले देश निर्णायक पीएम चाहता है, अनुबंध वाला प्रधानमंत्री नहीं। नकवी बोले अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं विपक्षी दल, चुनाव के बाद समाप्त हो जाएंगी कई राजनीतिक पार्टियां। नकवी ने विपक्ष पर नकारात्मक राजनीति करने का लगाया आरोप, बोले बाधा डालने के बाद भी मोदी सरकार ने सभी के लिए किया काम। टेलीविजन नेटवर्क पर छाए रहे मोदी, मिला 722 घंटे का समय, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को मिला 251 घंटे का समय। प्लेन के किराए से भी महंगे हुए रेल टिकट, गर्मियों के अवकाश और यात्रियों की भीड़ से पैदा हुई समस्या। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 7 मिनट से अधिक नहीं रुकेंगे वाहन, सुगम यातायात व्यवस्था के लिए प्रशासन ने बनाई नई योजना। लुधियाना में राहुल गांधी ने चुनावी रैली को किया संबोधित, बोले मोदी ने 4 बड़े वादे किए लेकिन एक भी नहीं किया पूरा। सैम पित्रोदा के बयान पर मचे बवाल पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष, पित्रोदा को फोन कर कहा आपको आनी चाहिए शर्म, 84 दंगे के बयान पर देश से मांगे माफी। राहुल ने नोटबंदी को लेकर पीएम मोदी पर बोला जोरदार हमला, बोले सर्जिकल स्ट्राइक कर गरीबों को लाइन में लगाया। कांग्रेस अध्यक्ष ने बेरोजगारी के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा, बोले 5 साल में नहीं किया कोई काम, सिर्फ करते रहे जुमलेबाजी। तेजस्वी यादव ने रोहतास में चुनावी सभा को किया संबोधित, नीतीश कुमार को बताया पलटू चाचा। तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर बोला सीधा हमला, बोले नीतीश कुमार ने 15 साल में नहीं किया कोई काम, सिर्फ जनता को छला। बसपा सुप्रीमो मायावती के दौरे से कांग्रेस हुई असहज, सासाराम संसदीय क्षेत्र में रैली को करेंगी संबोधित। कांग्रेस नेता मनोज सिंह ने मायावती पर लगाया आरोप, बोले भाजपा को मदद पहुंचाने का काम कर रही है बसपा सुप्रीमो। मनोज सिंह ने सासाराम में मीरा कुमार की जीत का किया दावा, बोले बसपा के प्रत्याशी उतारने से कांग्रेस को नहीं पड़ेगा फर्क। बुलंदशहर में देहरादून बदायूं नेशनल हाईवे पर लूट, पेट्रोल पंप पर कार सवार बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम। सेल्समैन को आतंकित कर 50,000 लूट कर बदमाश हुए फरार, लूट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद।
कैमरे की फुटेज से पुलिस के हाथ लगे अहम सुराग, लुटेरों को जल्द गिरफ्तार करने का किया दावा। सचिन तेंदुलकर ने बुमराह को बताया दुनिया का नंबर वन गेंदबाज, कहा इंग्लैंड में होने वाले विश्व कप में कर सकते हैं कमाल। थर्ड अंपायर के फैसले से आईपीएल के फाइनल में हारी चेन्नई, एक्सपर्ट्स ने माना आउट नहीं थे धोनी, मचा बवाल। आईपीएल के फाइनल मुकाबले में इमरान ताहिर ने मारी बाजी, 26 विकेट चटकाकर बने पर्पल कैप के विजेता। आईपीएल का खिताब जीतते ही मुंबई पर हुई करोड़ों की बारिश, चैंपियन बनने पर दिया गया 20 करोड़ रुपए का चेक। आईपीएल की उपविजेता धोनी की चेन्नई भी हुई मालामाल, टीम को 12.5 करोड़ की राशि से किया गया सम्मानित। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए जनप्रवाद, नमस्कार।